दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। मैं मनोज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्लाईवुड को कटिंग करना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हमारे पास एक प्लाई है और इसको दोस्तों हम लोग परफेक्ट साइज में आपको कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों आप लोग किसी भी कटर मशीन की सहायता से आप परफेक्ट तरीके से प्लाईवुड को कटिंग कर सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये 18 mm का प्लाई है और हम लोग दोस्तों कुछ इस यहाँ पे जो पट्टा रखा हुआ है, ये हमारा 12.5 inch है, इसी के साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और पट्टा यहाँ पे कटिंग करेंगे। दोस्तों प्लाईवुड को परफेक्ट तरीके से कटिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो हमारी ये कटर मशीन होती है उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो हम लोग इसमें प्लाई लगाते हैं किसी का थोड़ा 19-20 रहता है, परफेक्ट कोई गेज नहीं रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कटिंग करने से पहले इसके गेज को चेक कर लेना है। आप चाहे तो इसको टेप की सहायता से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी दूरी पर दोस्तों ये हमारा यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ये जो हमारा प्लाई है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये लगभग दोस्तों हमारा 7 फुट के दूरी पर दोस्तों ये हमारा गेज है। तो यहाँ पे हम लोग प्लाई को कटिंग करने के लिए दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से अगर हमको निशान लगाना होता है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 12.5 inch तो हमारा प्लाईवुड कटिंग होगा। तो इसके बाद दोस्तों हमारा 7 फुट का गेज होगा, उसके साथ ही साथ दोस्तों हमारा ये 1 फुट का ब्लेड है क्योंकि दोस्तों हम लोग इस साइड से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 12.5 inch पे निशान लगा देते हैं और ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम लोग इस साइड में भी दोस्तों हम लोग 12.5 inch पे निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी सिंपली दोस्तों हमारा ये जो बॉटम पट्टी होता है ये प्लाईवुड का, उसको इस लाइन पे रख करके दोस्तों हम लोग इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा बॉटम पट्टी था उस पर हम लोगों ने निशान पर रख लिया हुआ है और अभी हम लोग कटर मशीन की सहायता से कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्लाई था वो परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुका है। अभी इसका दोस्तों हम लोग साइज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो साइज़ था वो परफेक्ट हमारा 12.5 inch हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी के साथ प्लाईवुड को कटिंग कर सकते हैं और यही है दोस्तों हमारा प्लाईवुड का कटिंग करने का तरीका। अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।